आ जाओ इधर। नमस्कार नमस्कार, फिर आ गया आपके यहाँ मैं। थैंक यू थैंक यू। ये प्लस जो 5 स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स के जो व्हीकल्स हैं जो राज्य के विभिन्न जिलों में और रीजनल सेंटर्स में तैनात होंगी, उनका ऑपरेशनली फ्लैग ऑफ करते हुए स्टेट के सभी के बेनिफिट के लिए इनॉग्रेशन स्टोन पे जो लिखा गया है उसको मैं एक बार पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज सब फायर स्टेशन बालुकपो इनॉग्रेटेड बाय श्री पेमा खांडू जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश इन ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ श्री बामंग फिलिक्स जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री कुमसी सिदिसाओ जी ऑनरेबल MLA कम एडवाइजर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 6 तिरंजिनो बुरा गांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड श्री आरती उपाध्याय साहब IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज अरुणाचल प्रदेश ऑन 29 जनवरी 2021। अभी तक मैं 23 ऑपरेशनल फायर एंड एमरजेंसी सर्विस स्टेशन हमारे पास है और 24 अभी बहुत जल्दी और एक ऐड हो जाएगा। तो आने वाला दिनों में जैसे अभी विजन डॉक्यूमेंट जो रिलीज़ हुआ है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का, तो उसका तहत अभी इस साल हम लोग बजट स्टेट गवर्नमेंट जो बजट सेशन होगा तो वहाँ में हम लोग प्लेस करेंगे कि और भी फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को कहाँ कहाँ में हम लोग फंडिंग करके बनाएंगे, हम लोग ज़रूर टेकअप करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारा जो 4-5 जो नया डिस्ट्रिक्ट पिछले 2-3 साल में जो बनाया है वहां में फैसिलिटीज़ का के तौर पे देखा जाए तो बहुत ही कमज़ोर है। तो इसका चिंता ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन होने से पहले ही सदन में मैंने कहा था कि वो मैच्योर नहीं है डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, मगर पब्लिक का डिमांड ही ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ओवर द ईयर्स बनते जाएगा लेकिन डिस्ट्रिक्ट उन लोगों का प्रायोरिटी है। तो अकॉर्डिंगली पब्लिक भी इसमें कोऑपरेट करता है और सरकार का जो प्रॉब्लम है वो पब्लिक भी उसको अप्रिशिएट करता है। आने वाला दिनों में धीरे धीरे सब में डेवलपमेंट किया जाएगा। और सर, आपने एक टास्क हमें दी थी कि अगले 5 साल के लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट के विज़न को हमें बताएं स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या उसका स्वरूप होगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होंगी और क्या उससे स्टेट गवर्नमेंट अपेक्षा कर सकता है। मुझे ये बताने में खुशी है कि नवंबर के महीने में हमारे फाउंडेशन डे के दिन अरुणाचल पुलिस का विजन डॉक्यूमेंट CM सर के घर कमलों से रिलीज़ हुआ और आज फायर स्टेशन का विजन डॉक्यूमेंट भी आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे उसको रिलीज़ करें। अगर उसको हम मेनली देखें तो उसको हमने 5-6 बड़े बड़े भागों में बांटा है। पहला है इन्हांसमेंट ऑफ मैन पावर, दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल ऑफिस बिकॉज हम चाहते हैं कि थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो, सारी चीज़ ईटानगर से कवर ना हो के एक वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में एक जनरल ऑफिस हो सर। उसके बाद सर क्रिएशन ऑफ मैन पावर फॉर डायरेक्टर ऑफ फायर ऑफिस सर। उसके बाद नए जो फायर स्टेशन बनने हैं जिनकी हमने इस विजन डॉक्यूमेंट में रूपरेखा दी है उनके बारे में, कुछ 46 नए फायर स्टेशन की जरूरत हमें है सर। अभी एडवांस इक्विपमेंट, ये एवर एक्सपेंडिंग फील्ड है फायर की, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और फायर सर्विस में अगर आप एक भी मशीन लेके आएंगे तो आप समझो कि मौका ऐसा मौका ना आए, लेकिन अगर संकट का मौका आ गया तो एक मशीन कितने लोगों की जान बचाएगी सोचने वाली बात। ऐसी जो नई मशीन है उनको लिया जाए सर। और मैं आज आप लोग को प्राउडली बताना चाहता हूँ कि इनका लीडरशिप में आज हम लोग इनोग्रेशन के लिए हम लोग को समय नहीं मिल रहा है, अक्रॉस अरुणाचल में बन के बैठा है। और इसके साथ साथ हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जितना भी सिख प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट स्कीम जो प्रोजेक्ट जो बनने में आगे बनने में बंद हो चुका था, हम लोग जैसा ही
सर को बताया, उनका पैसा देने में परेशान नहीं हुआ और शायद उन आज उनका ही लीडरशिप, उनका ही जो हम लोग का पूर्व जो विश्वास ब्लेसिंग का कारण हम लोग आज पुलिस डिपार्टमेंट में स्पेशली होम डिपार्टमेंट में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस में ये मेन पावर में बोलो, जैसे डीजीपी ने कहा मेन पावर में बोलो, फर्स्ट डे जिस दिन ये गवर्नमेंट का फर्स्ट डे ये कैबिनेट मीटिंग में 1000 पुलिस जो हमारा कॉन्स्टेबल्स लोग है सेंक्शन कर दिया था। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गाड़ी में जो भी कहीं में भी कहीं कमियां नहीं रहा। लेकिन मेरा एक जो यहाँ का जो बालोपुर वासियों को ये सारा हम लोग परेशान चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव में, डीजीपी का इनिशिएटिव में, हमारा पुलिस ऑफिसर का इनिशिएटिव में सारा कुछ देने के बावजूद भी आखिर जिम्मेदार आप लोगों के ऊपर में पड़ता है। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि हर समय हर वक्त जो है एक दूसरे को कंधे से कंधे मिला के चलिए, एक दूसरे को तन मन से मिला के चलिए, बालकों को पीस शांति रखिए। बालकों को पीस शांति रखने से हमारा असम नाइबोर हमारे बड़े भाई लोग हमारे बड़े माँ लोग हैं बड़े पिताजी लोग हैं, जितना पॉपुलेशन वो लोग ज़्यादा है उतना हम पॉपुलेशन कम थी, उससे एक रिलेशन एक मेंटेन करके हम एकजुट होकर रहना है। तो हम लोग एकजुट होकर रहने से वो लोग भी एकजुट होकर बैठेगा तो ताकि तालमेल होकर आगे बढ़ेंगे, ये बोल रहे हैं। इसलिए जितने भी अरुणाचली है या नॉन अरुणाचली जितने भी बालों में बसे हुए हैं सब मिलजुल के रहना है, मिलजुल के आगे बढ़ना है।